हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वीवो स्मार्ट वॉच को लेकर काफी सारी खबरें निकल के आ रही थी और फाइनली वीवो ने अपनी एक स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया है। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में वॉच के स्पेसिफिकेशन के बारे में और प्राइस के बारे में बताने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सो गाइस, मेरा नाम है धारा और आप देख रहे हैं टेक वॉच। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इसके फीचर के बारे में, बट उसके पहले आपको बता दूं कि वीवो वॉच आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलती है, 42 mm और 46 mm, और आपको सर्कुलर डिस्प्ले दोनों वॉच में देखने को मिलती है। बात करें स्मार्ट वॉच के 42 mm वेरिएंट के बारे में, तो इसमें आपको 1.19 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसका रिजोल्यूशन 390x390 पिक्सल्स का है। साथ ही इसका जो 46 mm का वेरिएंट है उसमें आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि 1.39 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजोल्यूशन 454x454 पिक्सल्स का है। दोनों स्मार्ट वॉच की जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है वीवो के स्मार्ट वॉच में। बात करें इस वॉच के प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर एकदम नया है, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। जो प्रोसेसर है वो ST मेनिएटर मेन प्रोसेसर, जो अपोलो अल्ट्रा लो लाइट प्रोसेसर के साथ आता है। पता नहीं ये कौन सा प्रोसेसर है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। साथ ही इसमें आपको 2GB की रैम मिलने वाली है और कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने फोन को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर बात करें बैटरी की, तो 42 mm की जो वॉच है उसमें 226 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 9 days का बैटरी बैकअप देने वाली है वन सिंगल चार्ज में। और जो 46 mm की जो वॉच है उसमें आपको 478 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18 डेज का बैटरी बैकअप देने वाली है इन सिंगल चार्ज में। दोनों ही वॉच वाटर रेजिस्टेंट के साथ आने वाली है, तो थोड़ा बहुत पानी जाए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें सेंसर को लेकर, तो आपको लगभग 5 तरह के सेंसर देखने को मिल जाएंगे इस वॉच में, जिसमें 5 और ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मीटर और साथ ही जियो मैग्नेटिक सेंसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फिटनेस ट्रैकिंग की, तो आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्री ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, इस तरह के काफी सारे जो फिटनेस ट्रैकिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। और ये स्मार्ट वॉच आपकी स्लीप डेटा का भी रिकॉर्ड करती है, जो ब्रीथिंग ट्रेनिंग को भी ये रिकॉर्ड करती है। तो ओवरऑल जो फिटनेस को लेकर जितने भी सारे मोड्स होने चाहिए वो सारे मोड्स आपको इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको वीवो वॉच में NFC का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप काफी सारे काम कर पाएंगे। एंड इस COVID-19 के टाइम पर आप कैशलेस पेमेंट भी कर सकते हो इस स्मार्ट वॉच की मदद से। NFC का सपोर्ट मुझे काफी अच्छा लगा और इसमें काफी जरूरत भी थी। अभी जो स्मार्ट वॉच आ रहे हैं उसमें NFC का सपोर्ट होना कंपलसरी है। बात करें कुछ अदर फीचर्स की, तो वीवो वॉच में आपको कॉल नोटिफिकेशन का अलर्ट मिल जाता है। कॉल वगैरह आप रिसीव नहीं कर पाते हो, बट आपको कॉल नोटिफिकेशन मिल जाता है। म्यूजिक कंट्रोल करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो और वो भी आपको स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा। और आपको वीवो वॉच में जो असिस्टेंट देखने को मिल जाता है वो बेसिकली वीवो का खुद का एक असिस्टेंट है, जो जोविया असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। उसके कमांड के थ्रू आप कुछ काम करवा सकते हो। और गाइस, वॉच के वेट की बात करें, तो 42 mm की जो वेरिएंट है उसमें 35.6 ग्राम का वेट बताया जा रहा है, और जो 46 mm की जो वेरिएंट है उसमें आपको 46.8 ग्राम का वेट बताया जा रहा है। सो गाइस, ये सारे डिटेल्स है वीवो स्मार्ट वॉच को लेकर। सो गाइस, अब इस स्मार्ट वॉच की प्राइस की बात करें, तो वीवो स्मार्ट वॉच अभी चाइना में लॉन्च की गई है और इसकी प्राइस है ₹1,299, जिसकी इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करें तो हमें 14,000 के आसपास प्राइस निकल कर आती है। और गाइस, यहां पर बोल सकते हैं कि जो 42 mm एंड 46 mm की दोनों वॉच है उसकी प्राइस यहाँ पर सिमिलर ही रखी गई है, आप कोई भी ले सकते हो। मे बी फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ जाए, इस वॉच की प्राइसिंग अप डाउन हो जाए, बट अभी ये सेम प्राइस पर ही लॉन्च की गई है। अभी बात करें इंडियन लॉन्च डेट की, तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। बेसिकली ग्लोबल लॉन्च के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन वीवो ने नहीं दी है, बट चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि ओप्पो इंडिया में वॉच लेकर आ गया है, तो
तो वीवो भी इंडिया में बहुत ही जल्दी वॉच को लेकर आएगा, बट कब तक आएगा इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। अगर इंडिया में लॉन्च से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है या कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे टॉपिक पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, माय नेम इज़ ज़ारा, दिस इज़ टेक वर। मैं आपको मिलूंगी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।